वाराणसी, जहां एक कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। साकार और मूर्त रूप लेते हुए देखा है, जिस भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, यह रोड कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, या रेलवे अथवा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, नगरीय क्षेत्रों की मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का आज आधुनिक मॉडल देखने को मिला है। एक ओर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में और रोजगार के नए नए माध्यम सृजित हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर आम नागरिक के जीवन से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई योजनाओं भी हम सबको एक नए रूप में देश के अंदर देखने को मिली है। यह हमारा सौभाग्य है कि नए भारत के नेतृत्वकर्ता के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के काशी से देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और काशी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए काया और कलेवर के रूप में आज काशी को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है। विगत 10 वर्ष के अंदर अकेले काशी के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज पूरी हो चुकी हैं और 10,000